द पावर ऑफ रेपिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से किसी का भी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले अपनी किसी भी बुरी आदत या अच्छी आदत को अपने सामने रखिए और इसके बारे में सोचिए कि यह कैसे बनी थी, इसका मेन ओरिजिन पॉइंट क्या है, क्यों यह हमारे दिमाग में आया था। अगर आपको यह जवाब चाहिए तो इसका आंसर यह है कि जब आपने किसी चीज को बार बार देखा या पढ़ा और उसके बारे में बार बार सोचा, बार बार उस चीज के बारे में अपनी थॉट प्रोसेस को रिपीट किया, उस चीज को बार बार करने के लिए आपने एक्शंस लिए, तो वह आपकी आदत बन जाती है, चाहे वह अच्छी आदत हो या बुरी आदत। और ये साइंटिस्ट प्रूफ कर चुके हैं कि आपकी नर्व सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब भी आप कोई थॉट क्रिएट करते हो, आप कुछ पढ़ते हो या किसी के बारे में सोचते हो या कुछ भी चीज करते हो, तो आपके माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है जो आपके नर्व सेल में जाता है और वह कंटिन्यूसली आगे हर एक नर्व सेल में जाता रहता है। और इसी तरह आपकी पूरी बॉडी पर उस थॉट प्रोसेस का असर पड़ता है। इसे बार बार रिपीट करने से आपकी नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव आदतें और अच्छी आदतें दोनों तरह ही बनते हैं। आपका विश्वास उन नेगेटिव थॉट्स पर बढ़ता जाता है। अब बात यहाँ ये आती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, हम अपने नेगेटिव बिलीव्स को रिप्रोग्राम कैसे करें, उसे कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपको अपने नेगेटिव बिलीव्स को रिप्रोग्राम करना है तो आपको सबसे पहले रिपीटेशन का यूज करना होगा। रिपीटेशन का मतलब है कि जिस चीज को लेकर नेगेटिव बिलीव कर रहे हैं, आपके भीतर नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हुआ है, जस्ट आपको उसका उल्टा सोचना है, उसको पॉजिटिव तरीके से सोचना है। आपको ये लगेगा कि ये नेगेटिव तरीका है क्योंकि आप उल्टा सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये पॉजिटिव तरीका है। इसका आप पहचान तभी कर सकते हो जब आप सोचेंगे कि मुझे इस तरीके से सोचने से इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है। जब आप इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तब आप समझ जाएंगे कि इसका पॉजिटिव बिलीव क्या है। फिर आप पॉजिटिव सोचेंगे और वही पॉजिटिव थॉट को आपको बार बार सोचना है, उसको वैसा ही सोचना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में वैसा ही महसूस करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपको उल्टा सोचने में तकलीफें आ रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर समय के साथ जब आप बार बार रिपीटेशन करोगे तो फिर आपका बॉडी उसी थॉट पर आपको सपोर्ट करना चालू कर देगा। ये सब कुछ इसी तरह से काम करता है। फिर वही रिपीटेशन आपको एक हैबिट क्रिएट कर देगा। कुछ दिनों के बाद अगर वो रिपीट आप नहीं भी करते हो तो आपका बॉडी भीतर से आपको इनकरेज करेगा कि वो कीजिए, वो पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर से फिर लाइए। अगर आपको अपने प्रोग्राम को चेंज करना है तो पावर ऑफ रेपुटेशन का यूज अपने जीवन में जरूर कीजिए। यह इतना पावरफुल है कि आपकी किसी भी सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी नेगेटिव बात को पलट कर रख सकता है, उसे चेंज कर सकता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी साल क्यों ना हो। अभी डिपेंड करता है डिफरेंट बॉडीज में, डिफरेंट डिफरेंट लोगों में, किसी को कम समय लग सकता है, किसी को ज्यादा समय लग सकता है। मान लीजिए आपके प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रोग्रामिंग में थोड़ी कम नेगेटिविटी है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपके नेगेटिव बिलीव्स बहुत ही जल्द चले जाएंगे और पॉजिटिव बिलीव्स बहुत ही जल्द आपके भीतर क्रिएट होने लगेंगे। और दूसरी चीज, ये आपकी कंसिस्टेंसी पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक इसे अपने जीवन में रेगुलर कर रहे हैं और बिना रुके कितने दिनों तक आप इसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सिर्फ एक ही बार कीजिए, दिन में आपको जब जब याद आए तो तुरंत उस पॉजिटिव थॉट को रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। ऐसा हो सकता है किसी दिन ज़्यादा समय रिपीट कर सकते हैं, किसी दिन कम समय, लेकिन आप एक कंसिस्टेंसी बना कर रखिए, उस पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट कीजिए। और जब भी आपका मनोबल टूट जाए तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि मैं जो सोच रहा हूँ उसका हमारे जीवन में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है। जब आप एक कंसिस्टेंसी के साथ पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द वही थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी और आपकी अवेयरनेस, इस पर इसका बहुत बड़ा रोल है।
अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो बहुत ही जल्द आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स डाल देंगे और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पावर ऑफ रेपिटेशन का यूज़ करते समय अगर आप किसी थॉट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसे बार बार पढ़िए, लिखिए, बार बार देखिए, उसे महसूस कीजिए कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरी लाइफ कहाँ जा सकती है, मुझे कितना बेनिफिट्स मिल सकता है, मुझे कितना मान सम्मान मिल सकता है। जैसा भी आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उसे लिख कर सोचिए, उस थॉट को लिखिए, पढ़िए, फिर आप देखेंगे कि वही थॉट्स आपको बदलता जाएगा और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। मैंने भी इसे अपने जीवन में महसूस किया है। हमारी अच्छी और बुरी आदतें हमारी बार बार रेपिटेशन करने से ही होती है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। सपोज आप एक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो शुरू शुरू ऐसा होता है कि कार चलाते समय अगर आप गाना सुनेंगे तो आपको एक इरिटेट महसूस होगा, आपका नर्वस सेल बहुत भयभीत होगा, आपको लगेगा कहीं मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही आप पूरे एक्सपर्ट हो जाते हो तो फिर आप गाना सुनते हुए गाड़ी चलाते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है कि आपको कैसे गियर चेंज करना है, आपको कहाँ ब्रेक लगाना है, और आपका माइंड गाना को भी एडजस्ट करता है और आपके ड्राइविंग सिस्टम को भी एडजस्ट करता है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। इसलिए कोई भी पॉजिटिव थॉट को लेकर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लेकर आप रेपिटेशन का यूज़ अपने जीवन में कीजिए। अब देखिए कि उस थॉट से मुझे क्या बेनिफिट्स है, मैं क्या बन सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप रेपिटेशन को अपने जीवन में उतार लेंगे और बहुत ही जल्द आप अपना बदलता हुआ जीवन देखेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या भावनाएं हैं, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपकी एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।